बाबू देखो ये है जादुई पेंसिल, इसमें जो भी बनाऊंगा ना वो सच में बन जाएगा। कुछ भी मतलब? अरे तुम यकीन क्यों नहीं कर रही हो, इसका जादू मैं अब भी दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो इसको क्या हुआ? ए काजल यार उसकी हो गई। बाप रे इतना खतरनाक जादू। भाई भाई ये पेंसिल मुझे देना प्लीज। भाई प्लीज देना भाई। भाई देना यार। भाई प्लीज भाई प्लीज भाई प्लीज भाई भाई नहीं मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। पर तू है कौन? भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास सिर्फ 3 बंगले और 4 करोड़ रुपए है। और क्या चाहिए तुझे यार? तेरे जैसा गरीब तो मेरे को भी बनना है। मैं पुलिस को सब बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि यहाँ पे एक लड़की बेहोश पड़ी हुई है और ये तूने किया है। अरे प्लीज मत बताना यार, तू पागल है क्या? हाफिज मेरे को ये पेंसिल दे दे। बिल्कुल भी नहीं। चल चल निकल यहाँ से निकल। अरे बाबू तुम ठीक तो हो ना? हाँ मुझे घर से कॉल आ रहा है, मैं जा रही हूँ। ठीक है बाबू अब जाओ, अपना ध्यान रखना। भाई लेकिन इसे तो कॉल आया नहीं। सर मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। और क्या चल रहा है ये? जब देखो तब तुझे लड़कों के कॉल आते रहते, अब कोई गंदा सा लड़का देख के तेरी शादी करवा देता हूँ। सॉरी भैया प्लीज माफ कर दो। हेलो अंकल। हाँ वो आपका बेटा है ना मूंगफली वाला, उससे मेरी बहन की शादी फिक्स करवा दो। हाँ अरे बाप रे घुटनों में दर्द। सुन ना मैं बुड्ढा तो लग रहा हूँ ना? अरे एकदम 90 साल से कम नहीं लग रहे हो। अरे क्या बात है। सुन ये मेरी गर्लफ्रेंड का घर है, अभी तेरा काम जब मैं तुझे बुलाऊंगा ना तब तू आ जाना। ठीक है अभी छुप जा कहीं जाकर। ठीक है चलो ठीक है बाय। बेटे घर पे है कोई? अरे दादाजी आप? अरे मैं तो नकली दादाजी हूँ। अरे दादाजी दादाजी आप? बेटे तेरी चोरी की आदत नहीं गई, मेरा ब्रेसलेट दे दे। चल दे दे। सॉरी दादाजी। दादाजी आप यहाँ पे बैठो। काजल ये हमारे ना दादाजी है, जब हम छोटे थे ना तभी हम मर गए थे। अच्छा मस्त जोक मारा रे। अरे दादाजी आप तो मर गए थे ना, फिर वापस जिंदा कैसे हो गए? कहीं आप भूत तो नहीं हो? अरे बाप रे वो देखो कुत्ता उड़ रहा है। कहाँ है दादाजी, कहाँ पे? अरे प्रिंस तुम? बेटे वो मच्छर पीछे भगा उसको, जाओ भगा मच्छर। बाबू मैं इसलिए आया हूँ तुम्हारा भाई शादी ना करवा दे तुम्हारी किसी से। लव यू बाबू। लव यू टू बाबू। कौन बाबू? बेटे मेरा नाम बाबू राव। पर दादाजी आपका नाम तो पंकज था ना? जुआ लड़ा था दादाजी से, पानी ला जल्दी। बाबू बाबू पर भैया को पता चल गया तो? बाबू क्यों टेंशन ले रही हो तुम? देखो ये जादू पेंसिल भी लाया हूँ तुम्हारे लिए। ये लो बाबू तुम चॉकलेट खाओ। वैसे तुम हमारे दादाजी जैसे दिख रहे हो सेम। दादाजी आप तो बिल्कुल नहीं बदले, आप तो वैसे ही दिखते हो जैसे कुछ साल पहले दिखते थे। ऐसे कैसे हो सकता है? दादाजी हमने तो दीवार पे फोटो भी लगाई है आपकी बहुत प्यार से। अबे मैं तो नकली दादाजी बना हूँ या असली तो सेम टू सेम दिखता है? अरे जी कितनी सेम टू सेम शक्ल। अरे दादाजी क्या बात कर रहे हैं आप भी, आप ही तो हो। अच्छा बेटे मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे? बेटे इन्हें क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? हमें बचपन में मम्मी पापा छोड़ के चले गए। जी मैं आपका दुख समझ सकता हूँ जी, जाने वाले को कौन रोक सकता है। पापा चाइना गए हैं। बचपन से? हाँ। अरे तुम ऐसे मत रो बिना माँ के बच्चों, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, बिना माँ बाप के बच्चे कैसे होते हैं। वो मम्मी किसी और के साथ भाग गई ना। भाग गई?
पापा चाइना से वापस नहीं आए ना इसलिए। बड़े आशिक मिजाज का परिवार है जी आपका। हाँ इसीलिए मैंने इसे बोला है कि अगर इसने किसी से प्यार किया तो मैं उसका गला काट दूंगा। अरे भाई ऐसा मत करना यार, प्लीज मैं माफी मांग रहा हूँ यार, मेरे घर में विधवा बच्चे और अनाथ बीबी है यार, प्लीज ऐसा मत करना। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे पहचान गया हूँ। अरे बाप रे, नहीं नहीं इसको नहीं बताऊंगा, कहीं मुझे मार देगा तो। क्या हुआ दादाजी, इतने चुप क्यों? अरे बेटे मैं वो तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रहा था, तुम पढ़ लिख के बड़े बनो। दादाजी एक बात समझ में नहीं आई, आपकी दाढ़ी सफेद है पर बाल काले कैसे? अरे बेटा वो दाढ़ी जो है वो सफेद कैसे, फैशन है जी, फैशन, बच्चों को पता ही नहीं। वो छोड़ो दादाजी, आज काम वाली भी नहीं आई और वो अच्छे से काम भी नहीं करती। बेटा आज के बाद तुम्हें काम वाले की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर दादाजी आपसे काम करवाऊंगा अच्छा थोड़ी लगता है। बेवकूफ लड़के, मेरा मतलब परमानेंट नौकर रख लेते हैं ना। नौकर रखने के लिए उतने पैसे नहीं है हमारे पास। देखो बेटा मेरे पास जादू है, इससे मैं नौकर को बुला सकता हूँ, पैसे की जरूरत नहीं है। वो देखो नौकर आ गया। बताइए सर मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे बाप रे, सेवा छोड़ जाके चाय बना अच्छी वाली, मस्त अदरक डाल के जा। ओए ढंग से बात कर। बेटा तुम नौकर हो, जाके काम करो, बताया था ना तेरे को जब बोलूंगा आ जाना। जाओ काम करो। देख भाई तेरे कहने पे मैं काम कर रहा हूँ, काम होते तुरंत ही जादू पेंसिल मुझे दे देना। हाँ ठीक है दे दूंगा, जाके चाय बना। ठीक है भैया जी। दादाजी इस पेंसिल से और कोई जादू दिखाओ ना। कौन सा जादू देखने बेटे? दादाजी घर का राशन खत्म हो गया, प्लीज राशन ला दो। अच्छा राशन अभी आ जाएगा। अरे बाप रे, ये ले राशन। वाह मैं जा गया। दादाजी इससे कोई लड़की बना दो ना, मेरी शादी करने की बहुत इच्छा है। दादाजी के सामने ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? सॉरी दादाजी मैं थोड़ा ज्यादा खुश हो गया था। चलो बेटी बाहर चल के बात करते हैं। हाँ दादाजी चलो। कहाँ चलो? तुम अंदर जाके अपना काम करो, मैं अपनी पोती से कुछ पर्सनल बातें करूंगा, बड़े दिनों बाद मिला ना मैं। चलो काम करो अपना। ओके दादाजी। बाबू अगर भैया को शक हो गया तो? अरे नहीं होगा शक, और मेरी शादी ना तेरे से होगी देखना तू। हाँ सुनो ना मुझे चॉकलेट खानी है। तो अभी बना देता हूँ बाबू। वाओ अच्छा सुनो ना, इस पेंसिल से आप गाड़ी बनाओ फिर हम घूमने जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ दादाजी आप जल्दी जल्दी गाड़ी बनाओ फिर हम घूमने जाएंगे। हाँ बेटे अभी बना देता हूँ, मजा आएगा। दादाजी गाड़ी तो आई नहीं। बेटे वो इतनी सी जगह पे थोड़ी आएगी, गाड़ी बहुत बड़ी होती है ना, वो आंगन में देखते हैं। चलो बेटी यहाँ योगी। बेटे गाड़ी आई क्यों नहीं? ओए सुने अबे नीचे देख। अरे दादाजी ये पेंसिल क्या बात कर रही है? अबे कार थोड़ी बन जाएगी, पेंसिल हूँ अंबानी नहीं। बेटा ये शक्तियाँ तो है पेंसिल में लेकिन कम है। एक दिन मैं उससे वो जादू पेंसिल जरूर लेकर आऊंगा और मैं इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगी और मेरे आगे पीछे डंडे पड़ेंगे। बाहरी पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, उसे जाना नहीं बाहर। कर ले बुड्ढा होने का नाटक, बस एक बार तेरा काम हो जाए ना वो पेंसिल मुझे दे देना, फिर देखना मैं कैसे अमीर बनता हूँ। ए चाय बनाना अभी तक बनी नहीं गया, और अदरक डालना मत भूलना। किस्मत ही खराब है बेटे, आजकल के जमाने के गाने तोबा तोबा, इन लड़के लड़कियों को बिगाड़ रखा है। हमारे जमाने के गाने सुशील, सुंदर, शक्तिशाली, सुनने लायक गाने थे। ये देखो ये बहिया में कसी के सैया। बेटे ये गलती तेरे चाचे ने सेव कर दिया बेटे। प्यार मुझे करो।
बेचरम कैसे देख रहा है, पैर दबा दे दादाजी के। चलो ठीक है दादाजी, दबाता हूँ। बेटे मैंने सुना तुम बेटे की शादी करवा रहे हो, उम्र ही कहाँ है बेचारे की अभी? नहीं दादाजी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी उम्र की होंगी तब करवा देंगे। बेटे मेरा मतलब नहीं था, मेरा मतलब देखो आजकल की लड़कियों को लड़के पसंद होते हैं, तो इसे पूछ लेना था इसे कौन पसंद है। इससे क्या पूछना, मुझे पता चला इसका एक बॉयफ्रेंड है, अगर वो मेरे सामने आ जाए ना काट के चार कर दूँगा। बाप रे बेटा ऐसा नहीं बोलते, उठाइए ना। हेलो, हाँ शाम को आ जाना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। किसका फोन था? लड़के वालों का फोन था, शाम को आ रहे इसे देखने। दादाजी बाबू बेटा ससुराल चली जाएगी कुछ दिनों में। दादाजी मैं आता हूँ एक मिनट में। बाबू ये क्या नाटक है, अगर मेरी शादी हो गई तो? अरे तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। एक तो ये निकालो यार, दाढ़ी और बाल क्या लगा रखा है? अबे क्या कर दिया तूने पागल, ये दरवाजा खोलना बहन। अबे तेरा भाई दरवाजा खटखटा रहा है, अब क्या करूं, मेरे बाल कहां फेंक दिए तूने? ये लो छुप जाओ। दादाजी कहाँ है? यही सोए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। दादाजी दादाजी चलो आपके लिए चाय बनाई है। दादाजी दादाजी आपके लिए चाय बनाई है। अरे बेटा मैं बाद में पी लूंगा, तुम लोग पी लो, जाओ 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 यार जल्दी जाओ। अरे दादू चलो ना प्लीज। समझ में नहीं आता क्या, तुम लोग जाओ ना। ओके शायद दादाजी के बाल और दाढ़ी नहीं थी। हेलो बेटा आ रहा हूँ मैं, शायद मेरा ही वहम था। तुमसे कुछ नहीं होगा, बस एक बार जादू पेंसिल मिल जाए ना तो मजे करूंगा मैं। और बता बेटे पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही है ना? दादाजी मैं सामान लेके आता हूँ, वो लड़की वाले आ रहे हैं ना बस उसके लिए। ठीक है बेटे जल्दी जाओ, वो छाता वाता लेके जाना, बारिश बारिश का मौसम आ जाता है। अब भी जाके बाजार से सामान ला लेता हूँ, बहुत मजा आएगा। तो बारिश तो है ही नहीं, छाता लेके कहाँ जा रहा हूँ। अरे हाँ एक काम करता हूँ, दादाजी की जादुई शक्तियों से सामान मंगवा लेता हूँ। दादाजी वो अरे दादाजी गिर गए, दादाजी गिर गए। आराम से दादाजी, आराम से बैठिए बैठिए, बुढ़ापा है। थैंक यू बेटे भाई, आराम करिए, पानी लेके आता हूँ मैं। दादाजी आपको बोला था ना आराम करो करके, एक तो इतनी परेशानी चल रही है उसके ऊपर से आप परेशान कर रहे हो। ऐसा क्या हो गया बेटे? लड़की वालों ने रिश्ते के लिए मना कर दिया और बोल रहे आज के बाद कभी फोन मत करना, पता नहीं क्या हो गया, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे ये तो बहुत गलत बात है, इस तरह तो हमारी जवान सच्ची लड़की मतलब संस्कारी सुशील लड़की कुंवारी रह जाएगी। पर मना क्यों किया होगा? बेटे होने को कौन टाल सकता है। अरे वो चला गया, अब इसकी शादी तुड़वाते हैं और लड़की को लेके चलते हैं। हेलो देखो जी हमारी बेटी बड़ी पागल है, आप उससे शादी मत कराओ अपने बेटे की, फिर आपके बेटे की जिंदगी भी तो खराब हो सकती है जी। उसने अपने बाप को मार दिया, अपने भाई को मार दिया, इतना मारा सिर फोड़ दिया जी। आपके घर में आके ऐसी प्रॉब्लम होगी, देखो हमें तो मंजूर नहीं है जी। अब उसका भाई ठहरा पागल अभी। ठीक है फिर आप अपने हिसाब से देख लो जी, मेरा फर्ज तो बस बताना था आपको। बाय बाय। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटा तू टेंशन ना ले, मैंने एक बहुत अच्छा सा लड़का देख रखा अपनी बेटे रहने के लिए, तेरे से ज्यादा टेंशन है मुझे इसकी। वाह दादाजी सच में? हाँ बेटे। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपके बहन से शादी। कभी तेरे सिर पे सिलेंडर पड़ा है क्या? नहीं तो अगर मेरी बहन की तरफ देखा भी ना तो भरा हुआ सिलेंडर फेंक के मारूंगा। क्यों बे ज्यादा होशियार समझ रहे खुद को, और ये तेरा दादाजी जो बना है ना उसकी तो। अरे बेटे बना हुआ क्या होता है बेटे, मैं दादाजी तो हूँ। बताओ क्या इसको? हाँ बताओ। बेटा अगर बताया ना तो पेंशन नहीं दूंगा। अरे इनको बवासीर है। अच्छा तो क्या हुआ?
हम डॉक्टर के पास इलाज करवाएंगे दादाजी का। बेटा हम वो शादी की बात कर रहे थे। हाँ तो बताओ ना दादाजी, कौन लड़का पसंद किया आपने? हाँ अभी दिखाता हूँ फोटो। बेटे मैं ये फोटो देखो, ये तो अच्छा दिख रहा है लड़का, वैसे करता क्या है? बेटे इसकी पंचर की दुकान है। क्या दादाजी आपके बस का नहीं है कुछ भी, आप जाओ और जाके आराम करो, समझे? बेटा बेशक पंचर की दुकान है उसकी, लेकिन दिल का बड़ा साफ है। अब तुम समझो बेटा, देखो मैं अगर जवानी में होता ना सेम ऐसा दिखता मैं। चलो कोई बात नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, पहले तो प्यास लग रही है, पानी पी लेता हूं। वाह इतने टेंशन में भी आप यहाँ पे मजे कर रहे हो। तो और क्या करूं, भंगड़ा करूं यहाँ पे? मैं काम करता हूँ ना, तेरे भाई को बता देता हूँ कि मैं तेरी बहन का बॉयफ्रेंड हूँ, दादाजी नहीं हूँ मैं तेरा, और मेरी ना पंचर की दुकान है, और फिर तो मान जाएगा शादी के लिए। बाबू सब कुछ इजी नहीं होता, मैं धीरे धीरे मना लूंगा ना आपके भाई को, उसे मैं बता दूंगा कि चलो मेरी पंचर की दुकान है, कोई बात नहीं। क्या हुआ, ऐसे ऐसे क्या कर रही है? भाई ये तेरा वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और जिसे इसे पार्ट टू चाहिए जल्दी से जाके कमेंट करो, जितने ज्यादा कमेंट होंगे पार्ट टू के लिए पार्ट टू उतनी जल्दी आएगा, तो जल्दी से जाके कमेंट करो। और गाइज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, प्रिंस पठानिया रियल के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके जरूर फॉलो कर लेना, वहां पे मैं हर वीडियो की अपडेट देता रहता हूं। और गाइज अभी वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है, और भूत वाली वीडियो का भी पार्ट शूट हो चुका है, तो वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, और बाजू में बेल आइकन आ रहा होगा उसे प्रेस कर देना। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।